स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो रात मैंने विवेक से प्रॉमिस करा था कि हम डेली व्लॉगिंग करेंगे, लेकिन जब मैं सुबह उठी कैमरा नहीं था घर पे, क्योंकि हम कैमरा भूल चुके थे बाहर। तो अभी मैं लेने आई हूँ नीचे कैमरा। और ये रही हमारी गाड़ियों की हालत, बहुत ख़राब हो गई है। मेरे विवेक की चीटी इतनी है, हमारी बाइक इसकी तो हालत और भी ख़राब है। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं हम लोग धीरे धीरे इसको ठीक करेंगे। अभी उठूँ जस्ट, अभी मैंने ब्रश तक भी नहीं किया है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, उसके बाद हम आज करेंगे पूरा दिन ब्लॉगिंग। ये मेरे हाथ से चलती है। कैमरा तो नीचे पड़ा हुआ था, मैं यहाँ ढूंढ रही थी, गाड़ी में था, गाड़ी में नीचे पड़ा हुआ था। तो देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। कैसा? मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। यो राजू, ये बेटा राजू चाचा है। राजू चाचा देखो उसको कितना रिलैक्स फील होता है। बुगी, ओए मेरे राजा, ओए मेरे राजा। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। कल रात राजा की क्लिप है मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में व्लॉग के ऐड कर दूंगा, उसको भी देखना कितनी बातें कल रात ही कर रहा था। हे एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि खुशी ने बोला है कि हम लोग शुरू कर रहे हैं डेली व्लॉगिंग। आप लोग काफ़ी टाइम से बोलते हैं, जिन लोगों को ये बात सुनी होगी उन्हें खुशी भी बहुत हुई होगी। तो जैसे हम आप लोगों से और प्लेटफॉर्म पर डेली मिलते थे, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक MX टकाटक, जितने प्लेटफॉर्म पर हम आप लोगों से डेली मिलते हैं, ऐसे हम मिला करेंगे हम डेली यूट्यूब के ऊपर भी। अब आएगा मज़ा। हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे हम नोएडा पहुँच जाएंगे हम डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। तो एज आर प्रॉमिस, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है डेली व्लॉगिंग को लेके कि कितना मजा आने वाला है। अभी मॉर्निंग स्टार्ट होने से पहले ही मेरा जो सुबह सबसे पहले उठने का काम होता है वो यही होता है कि मैं अपनी टी बनाती हूँ। टी में सब पूछते हैं कि आप क्या लेते हो सुबह, तो दो ग्लास वाटर के अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो जीरा डाल देती हूँ। जब तक वो 1 ग्लास नहीं बचता तब तक वो बॉइल्ड होता है। उसके बाद मैं फिर इसके अंदर नींबू ऐड करती हूँ, थोड़ा सा शहद ऐड करती हूँ, फिर इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। आप ठंडा भी पी सकते हो, आप गर्म भी पी सकते हो। अभी मैं ब्रश कर लूँ। रात हम लोग बहुत थक चुके थे क्योंकि 2 रूम्स के कर्टन्स मम्मा ने सेट कर दिया था, लेकिन इतनी नींद आ गई थी कि हम लोग बिग बॉस देखते देखते सो गए थे। तो रात मेरे पति ने बोला कि तुमने बहुत ज़्यादा खरारा कर रखा, तो मैंने अपना सामान सेट कर लिया है। सामान कहाँ गया? हाँ, तो रात मैंने पूरी रात लगा के सिर्फ ये सेट करा है, अपना मेकअप। और ये सामान इसने पूरे दिन में सेट किया है अपना। कह रही कि मैं सामान सेट कर रही हूँ विवेक, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, हटना बेटा। मैंने कितने तो प्यार से ये इसने प्यार से सेटअप किया। और हाँ, अब तो डेली व्लॉगिंग शुरू हो गई है, तो मैं दिखाऊंगा कि ये कितने दिन तक ऐसे रहता है। पहली चीज तो ये आप नोट करके रखना। अभी मेरा और थोड़ा सा मेकअप बचा और मेरे और इतने से कपड़े बचे हैं जिसको मैं लगाऊंगी अभी। मेरा इतना सा सामान बचा हुआ है, इतना सा। ओ माय गॉड। माँ आप पापा को कितना मिस कर रहे हो? बहुत ज़्यादा कर रही यार, मैंने तो सुबह बात भी की उनसे। तो कल ना पापा का फ़ोन आया, पहले पापा का फ़ोन बार बार मेरे फ़ोन पे आ रहा था, फिर एक दो बार दीदी के फ़ोन पे आया, तो माँ एकदम उठा के आ रही, सबके फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ ज़रा। तो पापा कह रहे अरे नहीं नहीं तुम मुझे मिस नहीं कर रहे ये वो, पापा को धमका रही थी माँ कल। ये क्या कर रखा है कुछ हमने नीचे? ये हम रात बिग बॉस देख रहे थे क्योंकि बिग बॉस हम बाहर देखते हैं बैठ के, फिर हम लोग सो गए, इसको उठाया नहीं, अब हम यही ले रहे हैं। जब हमारी शादी हुई थी दूसरा, मुझे लगा था कि सब हमारे साथ रहेंगे, तो मैंने और विवेक ने सरप्राइजली पूरे घर में, मतलब कि हमने 3 BHK का घर लिया था, उसमें हर रूम में एक्स्ट्रा बेड डलवा के सारा घर सेट कर दिया था। उसके बाद मेरी चुल्ल होगी क्योंकि कोई हमारे साथ रहे नहीं, तो फिर हमने बीच में एक बार वो सारा सामान भर भर के मतलब रुड़की भेज दिया, इसलिए रुड़की सामान की इतनी भीड़ भाड़ है, कुछ सामान हमने ऊपर रखा हुआ है, लेकिन अब हम सारा सामान फिर से यही सेट कर देंगे। एक सबसे बड़ा रीज़न था कि यूवी का स्कूल चल रहा था, इसलिए यूवी को नहीं लेके आ सकते थे एकदम से, क्योंकि उसका पूरा साल बचा हुआ था जब तक। एंड दूसरी चीज़ कि भगवान की ऐसी माया थी कि राजा को उसी घर में दोबारा से आना था जिस घर में वो पहले आए थे। तो दोनों चीज़ में कोविड आ गया और सब कुछ दोबारा से ऐसे ही मैनेज हुआ कि चीज़ें दोबारा से वैसे ही कन्वर्ट होगी। एंड राजा उसी घर में दोबारा से आया। एंड अभी हमें लगना है थोड़ा सा टाइम, एक बार साफ सफाई कर लेते हैं पूरे घर की। उसका ना एक रीजन था, मुझे लगता था कि राजा उसी घर में है, इसलिए मैं वो घर छोड़ नहीं पाया। तो मेरे साथ हो चुकी है चुल व्लॉगिंग के फर्स्ट डे, क्योंकि मैं इतनी बिजी हो गई थी कि ये है मेरी टी जिसको मैंने 2 कप रखा था, और बची है ये। अब समझ नहीं आ रहा इसको पीऊं या इसके ड्रॉप बना के ले लूं।
सो मॉर्निंग मेरे पति के बहुत सारे नाटक होते हैं अपनी हेल्थ के लिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे दूध के साथ चाहिए, मुझे पानी के साथ चाहिए। तो बन ले रहे हैं मूसली, तो उनके लिए वो बना रही हूँ। जो हमारे घर में यूवी बेटा है वो अपने मामा को पूरा कॉपी करता है, तो जो उसके मामा को चाहिए रहता है उसको भी वही चाहिए रहता है। तो गर्मी हो रही है, किचन में फैन नहीं, और इसको बिना फैन के रहने की थोड़ी भी आदत नहीं है। अब व्लॉग अपलोड कर रहा था तो लाइट ने इतना पंगा डाला हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं कि विवेक भैया कभी भी व्लॉग जो है टाइम पे नहीं आता है। भाई मैं क्या करूँ, अब खुद देखो ना कंडीशन। अब मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ कर करके जो है वो अपलोड करना पड़ रहा है व्लॉग। अभी भी 3% अपलोड हुआ है, 4%। और ये व्लॉग है जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, फर्स्ट ड्राइव विद फैमिली। तो बस कुछ करके इसको जल्दी से अपलोड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। सो फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, हम सब ने खाना भी खा लिया। नाउ हम लोग जी जान का जोर लगा रहे हैं कि किस ना किसी तरह से हमें हाउसकीपर यानी कि मेड मिल जाए। घर में बहुत ज्यादा डस्ट, बहुत ज्यादा खलारा हो रहा है। हमने 2-3 रूम को तो कल ही साफ कर लिया था, वहीं पर हम लोग सब रुके हुए हैं। लेकिन अभी भी लाइक बालकनी वगैरह कुछ वॉशरूम्स हैं, एक वॉशरूम हमने क्लीन कर लिया था, उसमें अभी तक भी बहुत सारा खलारा है। और लेट्स सी, हम होप कर रहे हैं कि जल्दी कोई मिल जाए और घर साफ हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए। तो भी बहुत सारा स्ट्रगल होने के बाद में फाइनली हमें मेड मिल गई थी, तो थोड़ा सा घर का जो हाल है वो ठीक ठाक हो गया है, नहीं तो हम कल से बहुत परेशान हो रहे थे। तो अभी विवेक को कोई, हमारी बिल्डिंग में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो कि विवेक को बार बार बुलाने आ रहे थे, तो विवेक गए उनके साथ नीचे खेलने। राजा, माँ और दीदी जा रहे हैं नीचे खेलने के लिए और जो राजा को घुमाने के लिए, और मैं वेट करूँगी विवेक का क्योंकि मुझे कुछ वीडियो शूट करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत दिनों से वीडियो नहीं दे रही हूँ। और हमारा एक कैंडिडेट तो सो चुका है बेटू, तो ये सो चुका है। तो अभी दीदी और माँ बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत रो रहा है कि मुझे कोई गोद में उठाओ। मैं ज़्यादातर इसको गोद में उठा नहीं पाती क्योंकि मुझे ना डिलीवरी के बाद से थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मेरा हाथ बिल्कुल थक जाता है। तो मैंने ये एक ईजी वे ढूंढ लिया है इसको घर में भी ऐसे घुमाने का। देखो आप कैसे मस्त होकर पड़ा हुआ, आई थिंक सो ही है, नहीं जाग रहा है अभी तक। मैंने माँ को एक दिन गलती से बोल दिया, माँ मुझे दाल बहुत पसंद है, तब से माँ हर दूसरे दिन कह रही बेटे दाल बना लो, माँ इतनी भी पसंद नहीं है। अलग अलग दाल बनाती है वैसे माँ, लेकिन दाल तो दाल होती है। जब से राजा हुआ तब से मैं कुछ भी कोल्ड मतलब चिल्ड कोई भी ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं ले रही हूँ, तो मैंने बहुत मुश्किल से ये एक गर्म लेके आई थी। बाबू ये ब्रांडिंग क्यों कर रही हो, फिर इसकी उधर कर लो ना। सॉरी, तो मैं बहुत ही मुशद्दत से ये लेके आई थी जिसको दीदी ने आते ही फ्रिज में रख दिया, वो फिर ठंडी हो गई, फिर इसको मैंने निकाल के दोबारा बाहर रखा, तो जब मैं सुबह उठी इसको कोई पी चुका था। तो मैंने ये दीदी को दी कि बाहर जा रहे हो मेरे लिए 2000 बोतल ले आना, ठीक है गरम। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ यार, जितने भी लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं पहले तो उन्हें दिल से सैल्यूट है मेरा, लेकिन हम भी पूरी मेहनत करेंगे, पूरी ऐसा के मुसर्रत क्या कहा था इसने, हाँ हम भी पूरी मुसर्रत करेंगे और आप लोगों को डेली एंटरटेन करेंगे, डेली अच्छी अच्छी व्लॉग्स लेके आएंगे, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। मैंने ही सारी मेहनत करी, सुबह से मैंने ही सारी वीडियो बनाई। वो बात अलग है कि सुबह मैंने प्रण लिया था कि मैं सारा दिन आज व्लॉगिंग करूंगी और उसके बाद मैं भूल गई, फिर मैंने अब शुरू करी दोबारा से। पहले दिन तो सब कुछ माफ होता है, लेकिन मम्मी हम मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। ये नूब है और यूवी है प्रो। अभी हम जा रहे हैं वीडियोस बनाने, मेरे पति अगर मानते हैं तो हम 2-4 वीडियो बना लेंगे और मैं दिखाऊंगी आपको कि हम वीडियो कैसे बनाते हैं, मतलब जैसे सारे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। हाँ लेकिन मैं एक सच बात बताती हूँ, सब लोग बोलते हैं कि अब विवेक भैया के साथ फोटो क्यों नहीं डालते विवेक भैया के साथ, क्योंकि मैं विवेक भैया को मौका ही नहीं देती। मैं अपनी अपनी फोटो खिंचवाती रहती हूँ, जब इनकी खींचने आती किसी में इनकी बाजू काट देती हूँ। एक फोटो के नीचे मैंने कैप्शन भी लिखा हुआ है जो यहाँ पे आपको फोटो फिलहाल शो हो रही होगी उसके ऊपर, भाई साहब इसको एक फोटो खिंचाने बोले 30 क्लिक किए थे उस दिन इसने मेरे, मैंने इतनी कैंट फोटो खींची, उसके बाद में 3 फोटो देखने लायक निकले हैं। तो ये है खुशी ने रोटी बना के तैयार कर दिए, दिल बनाए हैं दिल। सो इट्स डिनर टाइम, हम खाना खा लेते हैं। रोटी की आपने शेप देख ली होगी, मैम से ऐसी रोटी बनानी आती है। हाँ जी मैम। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है क्योंकि इस व्लॉग को हम यही खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अभी हम टीवी देखेंगे तो लंबा चलने वाला है, तो मिलते हैं कल। एंड सुनो सुनो सुनो, जाने से पहले एक बात, प्लीज़ जाने से पहले लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। आपके कहने में हमने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच। अभी ये मैं ये सब कर है, ये ऐसा मना बनाना हो गया, सच में तो नहीं बना रहे कुछ, क्या बात थी। हैं? देखो अब कैमरे पे ध्यान पड़ जाएगा तब नहीं बोलेगा। हाँ? 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 लुलू बोबला बोबला खातेगा। हाँ? हाँ?
क्या खाटेगा लब लिया मुंडा मैं भी मेरे हांडा अखा नाल फिरदा शिकार खेडदा। हेलो एवरीवन, मेरा नया गाना लब लिया मुंडा मेरे यूट्यूब चैनल बबजीत सिंह पर आ चुका है, जाइए गाना सुनिए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि गाना कैसा लगा। थैंक यू, लव यू ऑल।